नमस्ते भाभी जी। अरे आप अभी तक रेडी नहीं हुई? नहीं तो क्यों? अरे नीचे सोसाइटी में पार्टी है, वो लाला जी है ना, उनकी बेटी की प्लेसमेंट लगे कनाडा में, बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन्होंने। कौन लाला जी? अरे वो दुकान वाले जिनकी सोसाइटी के बाहर दुकान है। अच्छा अच्छा वो लाला जी। बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं वो, बाहर टेंट भी लगा हुआ है, कम से कम 200-300 लोगों को बुला रखा है। आपको तो जरूर बुलाया होगा, आपको तो जानते भी हैं वो। लेकिन हमें तो नहीं बोला उन्होंने आने के लिए। शायद भूल गए होंगे। आप एक काम कीजिए, आप जाके तैयार हो जाओ, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। नहीं लेकिन भैया मैं सुबह उनकी दुकान में सामान लेने गई थी, तब भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। अच्छा एक मिनट रुको, आप शायद सम्राट को बुला होगा, मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ आप भैया से पूछ लीजिए। सम्राट सम्राट एक मिनट बाहर आना। आया। क्या हुआ? सम्राट जो लाला जी है ना, उनके कोई बेटे का फंक्शन है, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है क्या? नहीं मुझे तो कुछ नहीं कहा है। अरे कोई बात नहीं, शायद वो भूल गए होंगे, इतने सारे लोगों को बोला था ना, तो कोई बात नहीं मैं उनको अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ, है ना। हेलो अंकल जी, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है? क्या हो गया बेटा? अरे रोटियां रखवा यार, रोटियां। नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। नमस्ते जी, बेटा नहीं आया? तो बहुत लोग है बेटा, 300 लोग लेके चल रहे हैं हम। आ जाओ आप, खाना शुरू हो गया, लगभग सब लोग आ गए। सब लोगों को तो इनवाइट नहीं किया है आपने अभी तक। अरे हमने सबको बुलाया, व्हाट्सएप पे मैसेज करा है। नहीं आपने 201 वालों को तो इनविटेशन दिया ही नहीं। 201 में वो सम्राट जी नहीं है जिनके पास पल्सर है? अच्छा हाँ जी अंकल जी। अरे बेटा वो लोग किराएदार है, क्या करते उन्हें बुला के, आज इधर है कल उधर है, किसे पता है। अरे मैं पक्के लोगों से यारी रखता हूँ, किराएदारों से नहीं। अरे बैठिए बैठिए भाई। हाँ 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 आया भाई आया। अच्छा अरे आप खाना चालू हो गया है, आप लोग आ जाओ, और भाई के लिए तो मैंने स्पेशल गुलाब जामुन बनवाई है। ठीक है अंकल जी। वो कह रहे हैं कि वो आपको ना भूल गए थे बोलना, आप ना रेडी हो जाओ और भैया आप भी रेडी हो जाओ, चलते हैं। अच्छा तो वो फोन कर रहे हैं हमें? अरे नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा बिजी है ना, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बोल दिया बोलने के लिए, आप रेडी हो जाओ। ठीक है भैया फिर ना हम रेडी हो जाते हैं। चलो सम्राट रेडी होते हैं। ठीक है हम लोग तैयार हो के आते हैं। ठीक है फिर मैं नीचे ही हूँ, नीचे आपका वेट कर रहा हूँ, आप नीचे ही आ जाना। हाँ हाँ भाभी जी, भैया भाभी जी आ जाइए। अरे ये तो गाड़ी से जा रहा है। अरे गाड़ी से, यहाँ पास ही में तो है टेंट, चलते हैं। अरे आप आइए तो सही, आइए आइए बैठिए अंदर। चलो भैया एक बात बताइए, इधर पास में तो हमें जाना है, तो इसके लिए गाड़ी की क्या जरूरत है, पैदल चल लेते। पास में नहीं जाना भाभी जी। क्यों, ये टेंट किसी और का है क्या? ये टेंट तो उन्हीं का ही है भाभी। हाँ तो गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दो, चलते हैं पैदल चलते हैं। आप लोगों को ना बुलाया नहीं है उन्होंने। लेकिन अभी तो बात की थी ना आपने। वो आदमी ना सिर्फ पक्के लोगों से ही अपनी यारी दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता है, आप लोग किराएदार हो ना, इसलिए उसने आपको नहीं बुलाया, और फोन पर भी उसने मना ही किया था आपको ना बुलाए। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपको पता है उसकी वजह से मैंने खाना भी नहीं बनाया, और मैंने ये साड़ी भी पहन ली। झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपको बुरा लग जाता अगर सच बताता तो। वो मैं लिफाफा लेकर आई थी उनके लिए, आप जाओगे तो लिफाफा दे देना। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, इस लिफाफे की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी वहां नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको भाभी
और आपको भैया बोला है ना तो दिल से बोला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किराएदार हो या मकान मालिक। और अगर कोई इसके बीच में कोई मकान मालिक या किराएदार लेकर आएगा ना तो मैं उस पर काटा मार दूंगा। मैं किसी की हैसियत देख के या उसकी औकात देख के दोस्ती नहीं करता, मैं सिर्फ दिल देखता हूँ। और जब उस आदमी ने आपको मना किया ना पार्टी में बुलाने से, तभी वो आदमी दिल से उतर गया मेरे। और देखो मैं नहीं जानता आप कल को यहाँ पर रहो या ना रहो, लेकिन जब तक आप दोनों यहाँ पर हो ना तब तक आपके साथ मेरी दोस्ती और रिश्ता रहेगा। आप मेरी भाभी और आप मेरे भैया हो। और मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाऊँगा जहाँ पर मेरे भैया और भाभी को ना बुलाया हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप दोनों को लेके मैं कहीं और पार्टी करने ले चलूँ, कोई अच्छी सी जगह। अरे भैया आप लोगों को तो यहीं रहना है, आप लोग क्यों खराब कर रहे हो हमारी वजह से। वो लोग हमें कुछ खाने को नहीं दे रहे, हमारी मर्जी है किससे हमें बना के रखना है और किससे नहीं। मुझे भी सिर्फ आपसे बना के रखनी है, वो मुझसे बात करे या ना करे। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं और वो किराएदार मकान ये सब देख के दोस्ती रिश्तेदारी निभाता है, मैं ऐसा नहीं हूं। थैंक यू सो मच भैया। चलें अब। हाँ चलें। थैंक यू यार, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अरे कोई बात नहीं। तुमने एक पड़ोसी के नाते अपना संबंध तोड़ दिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत अच्छे पड़ोसी हो। चलते हैं अब, लेट हो जाएंगे वरना। चलो। हेलो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।